में काफ़ी वक्त है एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट. अगर उनको मेरी ज़रूरत होगी, अगर वो चाहते हैं कि मैं अशोका करूँ, तो मैं अशोका करूँगा. क्या कहेंगे? दे आर माई फ्रेंड्स. आई एम गोना से हाय, हग, टॉक, कैच अप, दैट्स इट. वेरी सिंपल. नोबडी इज एनिमीज है यार. ये सिर्फ शो में होता है. शो के बाद वी ऑल कम टू अ जीरो ग्राउंड वेयर वी ऑल आर फ्रेंड्स. क्योंकि इन रियल लाइफ हम लोग इतने कंपेरेटिव नहीं है एक दूसरे के लिए, राइट? सो या, वी ऑल आर फ्रेंड्स. नो बिग डील. ओके, थैंक यू. थैंक यू गाइस. येस, आई एम वेरी एक्साइटेड. ये मेरा पहला अवार्ड है. सो तैयारी कुछ नहीं, मैं हमेशा तैयारी ऑन द स्पॉट करता हूँ, जो भी मेरी तैयारी होती है. मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं एक साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज मुझे इनवाइट किया गया है. अभी मैं देखता था आज तक, और अब मैं इस अवार्ड में खुद हूँ. सो या, आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब देखता हूँ जरा क्या होना क्या है, और जो भी होगा वो बड़ा अच्छा करता हूँ. हमेशा मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा हुआ है समय यहाँ. थैंक यू. अभी नहीं कर रहा शायद मैं, क्योंकि मैं अभी रोडीज एक्सपोर्ट में जजिंग करने गया हुआ था, तो मेरे पास टाइम नहीं था तैयारी करने की. सो मैं परसों ही वापस आया हूँ. सो आज मैं यहाँ पर हूँ. इंशाल्लाह अभी थोड़ी बहुत जल्दी बहुत अवार्ड्स पड़े हैं, मैं बहुत परफॉर्म करने वाला हूँ. बहुत ज़रा अच्छा था. लास्ट ईयर मैं कंटेस्टेंट था, इस साल मैं जज था. तो मेरा खुद का एक गैंग था, वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. और जो मेरा बिग बॉस में एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो खुद में बदलाव देखे हैं इस बिग बॉस के बाद, वो बहुत अलग थे. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ऋषभ भी परफॉर्म करने वाला आज, मुझे शायद मैंने सुना था. तो मैं एक्साइटेड हूँ कि वो परफॉर्म करेगा. एंड या ऑब्वियसली करण जोहर सर होस्ट कर रहे हैं, मनीष कर रहे हैं. तो वो जितनी कॉमेडी करते हैं, यू नो, लाइव में मैं देखता हूँ. अगर मेरे साथ करते हैं तो मैं भी बहुत करने वाला हूँ आज, मस्ती करने वाला हूँ, मज़ा करने वाला हूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू. Yes. Yeah, right. हाँ, बहुत कलरफुल है. हाँ, आज मैं गार्डन से निकल के आया हूँ सीधा. दैट्स माय डिज़ाइनर शरद, एंड ही हैज़ डिज़ाइन द स्टफ. दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स अब्रॉड. सो झाड़ पत्तियाँ जो है वहीं से आई. जीपी के लिए it's always an excitement. You get to meet the entire family, colors family, so it's the best feeling ever. Okay. Bye bye.
क्या सवाल पूछते हो मैडम से? बहुत अच्छा हुआ। ओह रियली? ओह आई डिड नॉट नो। कौन कौन परफॉर्म कर रहा है आज? कौन? हाँ और कौन कौन कर रहा है? फारा भी है जी। या लॉट्स ऑफ पीपल परफॉर्मिंग है। मुझे क्यों नहीं बुलाया लोगों ने परफॉर्म करने के लिए? बिग बॉस खत्म हो गया तो मुझे इन्होंने साइड लाइन कर दिया। बट आएगा अगले साल, फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे। किसने कहा था? गलत कहा। बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। और कुछ मुबारकबाद देना चाहूंगा। विश देम ऑल द बेस्ट। शर्मा जी बाय 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 बाय। नेक्स्ट शुड वी गो देयर एंड कम बैक हियर अगेन? ओह माय गॉड। आज मैं रूम में गई और मुझे ये आउटफिट मिला तो इट्स ब्यूटीफुल, सो आई एम एंजॉयिंग। जी मैं परफॉर्म कर रही हूँ, देयर इज वन एक्ट दैट आई एम डूइंग और मैं एक सेगमेंट होस्ट भी कर रही हूँ। एक्चुअली आई थिंक आई विल बी सीइंग एवरीबडी ऑन कलर्स ऑन स्टेज, तो आई नो हाउ दीज अवार्ड्स आर। मैं लास्ट ईयर आई वॉज पार्ट ऑफ इट, तो everybody is there. I want to see all of them. Each one of them are dancing. मैं गई कहाँ? आप लोग ऐसे भी कह रहे हो जैसे मैं 5 साल तक काम नहीं कर रही थी। I know. I also miss acting. लेकिन मैं wait कर रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा मिले। मुझे I just don't want to do anything. And झलक के बाद मैं actually काफ़ी थक गई थी। आप लोगों को नहीं लगता I need to put on more weight. तो मैंने एक ब्रेक लिया एंड आई होप आई गेट समथिंग गुड। टिल आई डोंट गेट समथिंग गुड मैं वापस नहीं आऊँगी। इट्स वेरी मच द सेम, इट्स नॉट दैट डिफरेंट एज एक्टर्स। हमें वैसे भी टाइम नहीं मिलता मैरिज से पहले या मैरिज के बाद, तो इट्स जस्ट द सेम एक्चुअली फॉर अस। Guys, I miss you all too. I miss all the wonderful stuff that I get to hear from y'all. Not that y'all have stopped saying it, but I hope to come back soon with a really good show so that you all are proud of me and enjoy watching. Happy Women's Day to all the women out there. What else? I think we are done with this women power, women power. Women are powerful. हमने ये establish किया है. Let's not differentiate them or try to make men and women. It's pretty much the same. It's great that we celebrate it because who doesn't like to be celebrated? So let's just enjoy the day and all for power. Thank you very much. Well, I'm just going to perform right now after like in another 2-3 minutes. So yeah, I'm
dressed for that. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि ये मेरा पहला अवार्ड फंक्शन है कलर्स के लिए और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ. सो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड, आई एम नर्वस एट द सेम टाइम, बट इट्स आई एम ऑल हैप्पी. थैंक यू. सो इट्स लहंगा चोली दुपट्टा एंड मांगती का इन दामिनी स्टाइल एंड इयररिंग्स. Okay, I don't believe in Women's Day. First of all, I don't believe one day should be celebrated for women. I feel all the days in your life, they should be celebrated in whatever style and whatever thing you want to, because each day is a celebration. So for me, life is like that. Thank you. Okay, hi. Hi. So, performance bhi shayad hone wala hai, aisa laga sana. Kya kahenge, kitni excitement hai. Performance hone wala hai. Pata hai hame, kya to pata. Of course, main bahut excited hu. Hum ek foursome performance karne wale hai and it's a Borneo theme, gladiator look hai. So I'm very excited. It's always amazing to perform on stage. मुझे डांस करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है. So I'm always looking at an opportunity to just get on the floor and dance. And I can't wait. खतरों के खिलाड़ी और छलक वाले काफी सारे फ्रेंड्स अंदर जा चुके हैं. कितनी सब मेरे फ्रेंड्स अंदर हैं. In fact, जब हम बाहर भी निकलते हैं, so there's Mukti and there's Siddharth and Faisal and Raghav and झलक के साथ मैंने जितने कंटेस्टेंट के साथ काम किया था, प्लस अभी खतरों में कितने सारे कंटेस्टेंट हैं, ऑल कलर्स फेसेस. And it's always amazing to be here. And more than anything, just not front of the camera team, our behind team of Jhalak and Khatro is amazing, and they're all here. So I can't wait to go see them. Okay, tell us about the outfit that you're wearing. Looking very sexy as usual. So tell us about the outfit. My stylist Ankita has styled me, and I'm wearing something really different. Actually, this is my favorite color right now. I've been wearing a lot of this lip color, and finally, मुझे एक outfit मिल गया ये color में. So I'm very excited to be in this outfit. Thank you so much, guys. Thanks. Wait for the picture. Yeah. मुझे गोल्ड से बिल्कुल प्यार नहीं है, गोल्डन पेटल्स है. गोल्ड से एट द मोमेंट माय लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड 24 सेकंड्स. ये जो मेरी आवाज़ बैठी हुई है, क्योंकि कल मैं शूटिंग कर रहा था पूना में, तो वहाँ थोड़ा सा चिल्लाया काफ़ी इंटेंस सीन था, उस वजह से मेरी आवाज़ चली गई. तो सारी जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ लास्ट 4-5 महीने से, अगले भी 5-6 महीने सिर्फ 24 सेकंड सीजन की शूटिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड
Hopefully second season is going to be bigger, better, and more exciting than the first season. Sir, Sonam has got a lot of appreciation for Neelja. Yes. How proud are you for her? I was always proud of her, and we all, I think all fathers are proud of their daughters, and of course, this film has really taken, has been a, you know, it's a, you know, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वो आती हैं और यू नो यू नेवर इमेजिन एंड नेवर एक्सपेक्ट कि उसका इतना ज़बरदस्त रिस्पांस होने वाला है कि फिल्म क्रिटिकली भी अक्लेम होती है और मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसे किसी बंदे को चाहे वो दोस्त हो चाहे वो जस्ट एक्वेंटेंस हो या जो मुझे बिल्कुल नहीं भी जानता हो चाहे मुझे हमारे परिवार को नहीं जानता हो उसने भी इस फिल्म को पसंद किया और सोनम को के काम को बहुत बहुत पसंद किया तो मुझे लगता है ये बहुत ही खुशी की बात है और आई थिंक दिस विल इंस्पायर हर एंड मोटिवेट हर टू वर्क इवन मोर हार्डर एंड आई होप शी डज मेनी मोर नीरजाज इन द फ्यूचर मैं तो चाहूँगा कि दोनों साथ में काम करें नीर और सोनम मुझे लगता है कि दे कैन डू समथिंग वेरी स्पेशल एंड बिकॉज दे नो ईच अदर सिंस मेनी मेनी इयर्स एंड आई थिंक दे शुड एक्चुअली राइट यार व्हाई नॉट आई थिंक समवन शुड कास्ट देम टुगेदर मेरी बायोपिक बिल्कुल नहीं चलेगी मेरी बायोपिक कौन देखना चाहेगा बड़ी बोरिंग हो बहुत बोरिंग हो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है नहीं मेरी बायोपिक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं कि मेरे ऊपर बनाए अनिल सर वुमेंस डे आ रहा है तो उसके लिए आप क्या विशेष देना चाहेंगे सारी देखिए मैं आई यू नो वुमेंस डे फॉर मी इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी आई थिंक माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड विमेन एंड मैं तो यू नो 24 घंटे तीन औरतों के लड़कियों के और लेडीज़ के इर्द गिर्द रहता हूँ आई हैव टू डॉटर्स एंड माय वाइफ एंड ऑफ कोर्स माय मदर आल्सो सो ऑल फोर ऑफ देम आर यू नो आई कैन नॉट थिंक आई कैन इमेजिन एवरी ब्रेथ दे आर देयर इन एवरी हर सांस में वो चल रहा है तो फॉर मी अ वुमेंस डे इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल डे एंड आई लव वुमेन आई रिस्पेक्ट देम आई एडमायर देम आई वर्शिप देम आजकल तो मेरे ख्याल से हर एक्टर में बहुत एनर्जी एंड स्पेशली रणवीर एंड वरुण आई नो देम सिंस दे वर किड्स एंड ऑफ कोर्स अर्जुन आल्सो ऑल थ्री ऑफ देम अर्जुन रणवीर वरुण ऑल थ्री आर टेरिफिक एब्सोल्यूटली आई थिंक दे वर अ ग्रेट ग्रेट And how can I forget Ranbir Kapoor? And so they all four have grown up in front of me. Ranbir, Varun, and actually you're right, Charo, you know, they're all, one is Chintu Saab's son, one is David Saab's son, and Ranbir, and I know his father since many, many years. And of course, Ranbir's mother is closely related to my wife. And and Arjun, of course, is like my son. So it's fantastic. So all four of them are doing so well, and they are all in, almost in the same, you know, generation. So it's fantastic. देखिए मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेने देना नहीं है. So I would rather say, you know, I don't know much about it. So I don't want to comment on it. सर एग्जाम में आया हूँ मैं Okay, so kitna excitement Arjun, kaafi sare performances and nominations, so, Okay.
बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ. ये मेरा पहला गोल्डन पेडल अवार्ड्स है. पिछले एक साल से मैं कलर्स पर काम कर रहा हूँ और अब एक फैमिली जैसा फील होता है. एंड ऑफ कोर्स नागिन के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं. सो आज काफ़ी सारे नॉमिनेशंस हैं और मैंने दो परफॉर्मेंसेज भी किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को पसंद आएंगे. और मैं एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा एकता कपूर को और राज नायक.